अलहमदिल्ला वक़ा व्लबादी अस्तफ़ाबाद फ़ाउल बसमिल्लर यादी आनती वमो तुम्न वन तुम मुस्लिम मोहतरम नादरीन इससे पहले हदीसी क़ुदी पर गुप्त हो रही थी जिसमें चार चीज़ें बयान की और अल्लाह के सुल पर अपने नबी पर वही नादिल की और हुकुम हुआ कि आप ये चार बातें उम्मत तक पहुँचाएँ जिनमें से तीन का तस्करा तो हो चुका है पहली चीज़ थी इल्म हासिल करना दूसरी चीज़ थी कि जब अल्लाह ताला किसी की आँखें छीन ले उस पर शब्र जब्त करें तो अल्लाह उसको जन्नत देता है और तीसरी चीज़ इल्म के मुतालिक थी कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने इम में इजाफा करने की कोशिश करता रहे हमने इसमें कुछ रवायात और हादिस बयान की हैं आखिरी चौथी चीज़ बाकी रह गई है बड़ी अहम है वो भी व मलाकुद्दीन अलवरा यानी जो दीन अल्लाह ने हमें ले के भेजा है इस दीन का दारो मदार वरा पर है वरा क्या है इसी को समझना है क्योंकि इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने पूरे दिन इस्लाम का दार मदार वर करार दिया तेईस साल ज़िंदगी में बदरी वही किताब सुन्नत की शक्ल में नबी नबीसम जो दीन ले के आए और आलमीन ने आपकी आखिरी ज़िंदगी में ऐलान फरमा दिया अलउम अकमल तोल्दीनक वातम तो व रदीतलकुमसलाम्दीना इस दीन का सारा दारोमदार एक बात वर पर आदमी का दीन आदमी का ईमान आदमी का तकवा आदमी का अखलाक कब कायम रहेंगे जब इंसान अपने अंदर वरा पैदा करे इससे पता चल गया वरा की बड़ी अहमियत तो पूरी दीन इस्लाम का दारो मदार ही है एक आदमी उस वक्त तक दीन पर कायम नहीं रह सकता अच्छी तरह से जब तक वरा ना पैदा हो जाए तो आज वरा को समझें जो इतनी अहम चीज़ है अल्लाह के रसुल्लम ने वर को दीन का दारो मदार करार दिया एक है तकवा और एक है वरा तकवा और वरा ये दो चीज़ें हैं और ये दो दर्जात हैं तकवा कहा जाता है कि इंसान अपने आप को हर किस्म के गुनाहों से बचाए तकवा के बल्कि तीन मराते भी आप समझ लें ताकि वारा का मफह समझ में आए तकवा का पहला मकाम और मर्तबा ये है कि इंसान ऐसा अमल इख्तियार करे जिससे ख़लूद फिनार जहन्नम से अपने आप को बचा ले ये तकवा का सबसे पहला और अदना दर्जा है अब देखना है वो अमल जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है वो क्या है अल्लाह आलमीन ने शहादतें का अकरार है ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आदमी सिद के दिल से अगर कलमा पढ़ लिया तौहीद का अकरार रसालत का अकरार लहम्मद रसूल्ला सिद के दिल से इसका इकरार कर लिया तो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है अगर उससे कुछ गुनाह कुछ बुराइयाँ कुछ कोताहियाँ हुई हैं तो इंसान को अल्लाह या तो माफ़ कर दे चूंकि शिरक नहीं किया है इन्ना ला क फिर आयु शर का भी वक़ फिर मादू नज़ा लिखन शाह शिरक के, के अलावा अगर कोई उससे और गुनाह सरदर्द हो गए हैं तो अल्लाह है की मशीत पर है चाहे तो माफ़ करके जन्नत में दाखिल करें या एक उसके गुनाह के मुताबिक अल्लाह ताला जहन्नम में डाले सदा दे और सदा पूरी हो जाने के बाद अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दे यानी खुलूद फिनार हमेशा हमेश वो में नहीं रहेगा गया तो अपने गुनाह की सदा भुगत करके दोबारा जन्नत में आ जाएगा ये तकवा का पहला दर्जा है यानी इंसान अपने आप को शिर्क से बचाए कुफर से बचाए तौहीद खालिस हो और रसूल के रिसालत पर ईमान हो इसी को कले मत तकवा करार दिया गया कुरान पाक के अंदर रबुल आलमी ने फरमाया वम कले मत तकवाबलमी ने फरमाया ये जो असहाब रसूल थे इनको अल्लाह ने तले मत तकवा अदा कर दिया कले मत तकवा कलम तय्यबाला का एक नाम है वक़ान वा वाह यानी अल्लाह ने इनको कलम तोहहीदालत किया ये देखे कलेमत तकवा है तकवा का मतलब है जहन्नम से बचा लेना अल्लाह के आदाब से तो ये लोग अपने आप को अल्लाह के आदाब से तो बचाए लेकिन हमेशा हमेश के आदाब से बचाए मुमकिन है कि गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला कुछ दिन के लिए इनको जहन्नम में डाले लेकिन हमेशा हमेश जहन्नम में नहीं रहेंगे क्यों इन्होंने कलेमतु तकवा इख्तियार किया और तकवा का पहला दर्जा इनके पास है तकवा का दूसरा दर्जा ये है कि इंसान अपने आप को गुनाह कबायर से बचाए हर बड़े गुनाह से अपने आप को बचाए बहुत सारे गुनाह कबायर हैं हर किस्म के गुनाह कबायर से अपने आप को बचाए ये तकवा का दूसरा दर्जा है जिसका तस्करा अल्लाह रबालमी ने कुरान पा किया नही मरकती में न समायरफ इशायत के अंदर किया है अगर ये बस्ती वाले शहर वाले ज़मीन के बाशिंदे अपने आप को गुनाहों और बुराइयों से बचाते तो अल्लाह ताला इनके ऊपर ज़मीन और आसमान से रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल देते ये तकवा है देखें तकवा के दूसरा दर्जा है जिसका इस आयत में तस्करा है तकवे का एक तीसरा दर्जा है जो बहुत सबसे आला और अरफा है जिस पर तकबा की इंतहा होती है वो तकबा क्या है कि इंसान अपने आप को शिरके से बचाया बचा और हर किस्म के गुनाहे कबायर से बचाए और इन दोनों के साथ साथ अपने आप को हर गुनाह है सगायर से भी बचाए कबायर के साथ साथ सगायर से भी बचाए किसी गुनाह को मामूली समझ के गुनाह ना करें गुनाह गुनाह है चाहे सगीरा हो या कबीरा हम गुनाह कबीरा से भी बचते हैं गुनाह सगीरा से बचते हैं अगर कोई इंसान कबीरा गुनाहों के साथ साथ अपने आप को शगर छोटे गुनाहों से भी बचाता है तो ये तकवा का सबसे आला दर्जा है इंसान तीनों किस्म का तकवा रखा शिरके से बचाया कबायर से बचाया और शगर से बचाया अब तकवा का सबसे आला दर्जा इसको हासिल है यही वो तकवा है जिसके मुतालिक कुरान पाक सुर आल इमरान की आयत जिसमें अल्लाह ने फरमाया या आमनु वला आन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह ताला से इतना डरो ऐसा तकवा इख्तियार करो जो तकवा का हक हाँ है पता है चल गया तकवा का एक हक हाँ है मखसूस तकवा का हुक्म दिया जा रहा है और तकवा का हक हाँ क्या है सहाबे साहब करामवानजम कहते हैं इंसान जब तीन चीजें अपने अंदर पैदा करता है तो यह तकवा का तीसरा दर्जा आखिरी दर्जा सबसे बड़ा दर्जा हासिल होता है और हक़ का ही तकवा का जितना हक हक अदा हो जाता है तीन चीजें आयुता फलायु साफलायुक फर वयुस् फलायसा ये तीन चीजें जब ये तीन चीजें इंसान अपने अंदर पैदा करता है और तीन चीजें अपना लेता है तो उसको तकवा का सबसे आला दर्जा हासिल हुआ और कुरान पाक्यात यादी अमनत हक का तुका थी ई मानो अल्लाह ताला से उतना डर जितना डरने का हक है फिर हक अदा होता है अब वो तीन चीज़ें क्या हैं नंबर एक फलासा हमेशा अल्लाह की इत की जाए किसी भी किस्म की अल्लाह की नाफ़रमानी ना की जाए सगीरा भी छोड़े कबीरा भी अपने आप को बचाए हर वो चीज जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी है उसको छोड़ देता है अयुता फला अल्लाह की कोई एताद छोड़ता नहीं और नाफरमानी और गुनाह का कोई अमल करता नहीं अपने आप को बचाता है नंबर दो एयुष्कर फलायुकफर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करे अल्लाह की नाशुक्नी से बचे हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे खुशी में गमी में अल्लाह का शुक्र अदा करे ना शुक्री ना करें, कुफ्र ना करें, जैसे उमिन आय शारदी अल्लाह तारा फरमाते हैं कि नबी रहराब शाम को हम लोगों ने देखा जब आपके पास कोई ख़ुशी की खबर आती कोई बशारत कोई अच्छी चीज़ सामने आती आपको इतला दिया बता गया तो आप बशारत सुनते ही अलहमदिल्ला बिन मुलहत इस दुआ को याद करें और नबी की सुन्नत को अपनाने की कोशिश करें जब भी कोई खुशी की खबर आती आप पढ़ते अहमदिल्ला बरात मुहत सारी तारीफें सारा हम अल्लाह के लिए हैं जिसकी फजल करम से ये अच्छा काम अंजाम पाया लेकिन अगर कोई आपको नुकसान दे, तकलीफ देने वाली परेशान करने वाली गम और अफसोस की खबर आती तो आप उस वक्त कहते अल्हमद ला अहाल देखें इस हालत में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया अलहमद लाख कोलिहाल हर हाल में अल्लाह ताला ही का शुक्र और हमदा करते हैं इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी अल्लाह का फ़ैसला देखें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र युष्कर फलायुक हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए अल्लाह की नाशुरी से बचें कभी अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री नहीं करें अल्लाह रबुलामी की ना शुक्री और नाकदरी ये भी अल्लाह रब्लम की नाराज़गी का बहुत बड़ा सबब है आलमी ने फरमाया फ़द कूनी अदकुरकुम वश्रोली वला तक फ़ुरन फद्रोनी अदकुरुम वशर वला तक तुम मुझे याद करो हम तुम्हें भी याद करेंगे और मेरा शुक्र अदा करो ख़बरदार तुम ना शुक्री ना करो शुक्री को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया ना शुरू को कुफ्र करार दिया गया आप लोगों ने सुना होगा नबी रह शात रमाया हमें जहन्नम दिखाई गई तो औरतों को हमने अक्सर उनमें जलते हुए देखा पूछा गया रसूल अल्लाह हमारी मायर बने किस बिना पर जल रही थी अल्लाह सुन बेकुफ़्रन्ना कुफ़्र की बिना पर जल रही थी कुफ़्र बहुत करती हैं सबिक राम परेशान हो गए यार अल्लाह अजक या फुर्ला मेरी और बहनें अल्लाह का कुफर करती हैं अल्लाह रसुल फरमाया नहीं यकफुरनल फुरन अशीर वो अपने शौहरों की नाशुकरी करती करती देखा आपने अपने शौहरों की नाशुकरी करती सुबह अल्लाह कितनी बड़ी बात अल्लाह रसुल फरमाते हैं ये अपने शौहरों की नाशुकरी करने की बिना पर जहन्नम में ज्यादा जलाई गई अब आप बताए औरत अपने शौहर जो मखलूक है अपने शौहर की एहसान फरामोशी करे ना शुक्री करे तो उसको ये अजाब अगर एक इंसान अल्लाह की ना शुक्री करे तो उसको कितना बड़ा जुर्म कर रहा है इसीलिए अल्लाह रबुल ना शुक्री से नाराज़ होते हैं तो दूसरी चीज ये फला युक्फर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए अल्लाह की ना शुक्री से बचा जाए तीसरी चीज़ फला फलायसा हमेशा अल्लाह को याद रखा जाए अल्लाह ताला को भुलाया ना जाए अल्लाह ताला को याद करने का मतलब क्या है अल्लाह एक ऐसी दात है कि इंसान कभी नहीं भूलता अल्लाह को याद करने के क्या मतलब है याद करने का मतलब ये हर हर लम्हा, हर हर कदम अल्लाह का क्या हुक्म है रसूल का क्या हुक्म है इंसान उसका ख्याल रखे यह है जिक्र इलाही जैसे कि दरदा रजी अल्लाह तला कहते हैं हमने अपने अबू दरदा को फरमाते हुए सुना वो कहते थे मन अल्लाह फकतर वो वात हो हो, जो इंसान अल्लाह की एतात करता है वही हकीकत में अल्लाह का जिक्र कर रहा है घर चे नफली रोद नमाज बहुत कम कर रहा हो और जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है यही असल में अल्लाह त भूला है वाइन इन कसरत श्याम हो वलात हो वदाकत हो वो कितने रोजे नमाज कर डाले लेकिन अगर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो अल्लाह ताला को भूला हुआ है तो ये तीन चीज़ें हैं इन तीनों चीजों के पैदा कर लेने के बाद इंसान के अंदर वो तकवा पैदा हुआ जो सबसे आला दर्जा है तीन दर्जात में सबसे आला दर्जा तकवा का इंसान अपने आप को कुफर शिरक से बचाए कबायर से बचाए और हर किस्म के शगार और नाफरबानियों से बचाए ये तकवा का सबसे आला दर्जा है और तकवा के ये दर्जा जो है इनके बाद एक दर्जा वाराण का है वाराण का जिसका तस्करा इस हदीस हदीसी कुशी के अंदर है जिसकी तशरी हम कर रहे हैं कि अल्लाह शास्त्र शा, में आयशा चौथी चीज जिब्राइल अमीन या अल्लाह तदीस कुछ में जो हमें बताया और हमें हुक्म हुआ कि तुम लोगों को बता दें वो ये है मिलाक दीन अलवरा दीन का सारा दारो मदार दीन के तहफुद और बका उस पर इस्तेकामत का सारा दारोमदार वरा पर है अब वरा किस को कहते हैं हमने शुरू बताया कि तकवा पहला दूसरा और आखिरी सबसे आला दर्जे का सबसे आला दर्जे का तकवा इस तकवे के बाद एक दर्जा है उसको कहा जाता है वरा वरा क्या कहा जाता है इंसान अपने आप को शिरक से बचाए कुफर से बचाए गुनाह कबायर से बचाए गुनाह सगायर से बचाए और अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचाने के साथ साथ हर ऐसी जायद और हर ऐसी मुबाह चीज को भी तरक कर दे कि वो करना जायद है लेकिन खतरा यह है कि अगर ये जायज चीज करने लगें तो कहीं मुमकिन है शैतान हमसे कोई नाजायज काम करा दे वरा का मतलब ये हुआ हर किस्म के गुनाहों से बचते हुए हर ऐसी जायद और मुबाह चीज से आदमी अपने आप को बचाए गर्च वो जायज है करना हलाल है उसके लिए लेकिन इस नियत से छोड़े इस खौफ से छोड़ दे की है तो जायद लेकिन यह जायज काम करने लगे तो मुमकिन है शैतान हमसे बुराई का काम करवा दे बुराई से बचने के लिए जायद चीजों के तरक कर देने का नाम एक वरा है उसकी मिसाल आप यूँ समझें बड़ी वादे मिसाल एक इंसान मकान बनाता है मकान बनाया घर है इंसान विंडो और खिड़की जो है वो इसीलिए घर में खोलता है ताकि हवा आए इनका हक है खिड़की पर खड़ा रहे दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती उसका हक है लेकिन अगर वो इंसान अपने खिड़की के सामने खड़ा हुआ नीचे किसी पड़ोसी का घर है उसको हवा के लिए खिड़की पर खड़ा होना जायज है उसका हक है खिड़की इसीलिए लगाया है खर्चा किया उसने हजारों लेकिन वो सोचता है खिड़की पर बैठे तो मुमकिन है पड़ोसिन की लड़की या उसकी बीवी या उसकी बहन या उसकी माँ सेहन में आए या बाहर निकले तो हमारी निगाह शैतान उनके ऊपर उठा देगा इंसान दुनिया की कोई ताकत उसको उस वक्त बुराई से नहीं रोक सकती अगर वो खड़े होकर के औरत को देखे पड़ोसी के घर में ताक झांक लगाए दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती क्यों हमारी खिड़की हम अपने घर में हम खड़े हवा के लिए खोले हैं आप अपनी औरतों को अंदर करें लेकिन एक इंसान उस मौके पर अगर खिड़की से किनारे हट के बैठ सकेगा तो उसको वरा बैठाएगा वो ये सोचता है हमें कोई रोक तो नहीं सकता लेकिन शैतान हमारी निगाहें अगर उस औरतों पर उठा दिया तो ये हमारी निगाहों का गुना होगा रब ने हमें हुक्म दिया गुद्दू अबसारकुम निगाहें नीचे करो किसी गैर महरिम औरत को ना देखो अब हमारी निगाह गैर महरिब औरत को देख रही है नाजायज अब कर रहे हैं तो यह ऐसा जायद अमल है जो इंसान को नाजायज का सबब बन सकता है अब ऐसे मौके पर वारा इसको कहा जाता है कि अपने आप को हां ऐसे अंदाज से बैठे कि उसकी निगाह पड़ोसी के औरतों पर ना जाए दूसरी मिसाल आज आपको रास्ता पकड़ के कहीं भी जाना है कोई रोक नहीं सकता रास्ता बना ही से लिए है लेकिन अगर आप जानते हैं इस रास्ते पर जाएं बेहयाई औरत गाने बाजे तरह तरह की मुनकरात तरह तरह की बुराइयां हो रही हैं जाएंगे तो निगाह उठ ही जाएगी कुछ ना कुछ शैतान हमें देखने पर मजबूर कर देगा अब इंसान अगर अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहता है रास्ता छोड़ छोड़कर अगर कोई दूसरे रास्ते से चला जाए इस चीज का नाम दोस्तों वरा है अल्लाह के सुन्ने दीन वरा पर है इसीलिए दूसरी हदीस में रसूल ने सबसे अच्छा दीन उसका करार दिया जिसके अंदर वरा हो आपने फरमाया खैर उदीन कुम अल वरा एगो तुम्हारा सबसे अच्छा दीनी अमल जो है वो वरा है कि तुम वरा पर अमल करो और अल्लाह के रसूल वल्लम ने सही बुखारी की हदीस में बड़ी अजीब से मिसाल दी है उस मिसाल को समझ लिया जाए तो शायद कोई इंसान वरा को नहीं छोड़े और उसका दिन महफूज रहेगा अल्लाह के रसूल नेमाया लोगों हलाल वादे है हराम वादे है और कुछ चीज़ें जो है शकूक व शुबहात की हैं आपने एक मिसाल दिया फरमाया कि देखो एक इंसान की चरा है अपने जानवर के लिए उसने चारा वहां उगा रखा है और अपने चरागाह में अपने जानवर को चरा रहा है हलाल काम कर रहा है लेकिन उसकी चरागाह की हद जहां खत्म होती है दूसरे की चरागाह दूसरे की खेती है अब अगर इंसान अपने जानवर को अपनी चरागाह में चरा रहा है उसका हक है कि बिल्कुल आखिर तक वो चराए कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती लेकिन कभी ऐसा होता है अपने जानवर को अगर करीब आने दिया करीब आने दिया जानवर उसके हद में होगा लेकिन उसकी गाय उसका बैल उसका ऊंट उसके खेत चरागाह के हद में रह करके अगर अपनी गर्दन लंबी कर दिया या अचानक झटके में चला गया तो दूसरे के फसल को दूसरे के खेत को नुकसान पहुंचा देगा उसको इख्तियार था कि बिल्कुल आखिर तक अपने जानवर को आने लेकिन दूसरों को नुकसान पहुँचा देगा जानवर हमारा हमारे खेत में रहते हुए दूसरों के करीब आया तो उसको नुकसान पहुँचा देगा इस चीज़ से बचने के खातिर अपने जानवर को ज़रा दूर रखता है ताकि किसी के खेत और चरागाह को नुकसान ना पहुंचाए। ये अल्लाह ने फरमाया अब अगर कोई इंसान अपने जानवर को ज़रा दूर रखेगा तो महफूद रहेगा और अगर करीब ले जाएगा तो हराम काम में किसी को नुकसान पहुंचा देगा अल्लाह ने सात रमाया यही एक मिसाल है वरा की इंसान अगर जाए सीधों तक महदूद रहे अपने आप को बुराइयों से दूर रहे हैं तो बचा रहेगा अगर करीब बुराई के गया तो मुमकिन है कि बुराई में वाक हो गया और नाजायज काम करने लगा तो गुनहगार हो जाएगा वरा का मतलब ये है दोस्तों कि अल्लाह के हराम करदा चीज़ों रसूल की नाफरमानी हर किस्म की ऐसी जायज़ चीज़ को छोड़ दें जो बुराई का सबब बने अपने ईमान और तकवा को बताते हुए इसी चीज़ का नाम वरा है इसी पर हदीस मुकम्मल हुई अल्लाह ताला से दुआ करें हम सबको इन चारों बातों पर अमल करने के तौफीक तो नसीब फरमाए अकूर कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली दम बिन वातूबु ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें